नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा। आखिर पत्रकार के किस सवाल पर भड़क गए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कहा सुधर जाओ। इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं समय सीनियर एडिटर द टाइम्स नाउ के प्रदीप दत्ता जी। ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने सवाल पूछा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कि आखिर आप एक तरफ बात करते पाकिस्तान से बात की जाए और दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें कर रहा है। इसी के चलते, इसी प्रश्न के सुनते ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भड़क गए और कहा मेंड यूर वेज। प्रदीप सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन। जी प्रदीप सर, आप बड़ी भली भांति एक सीनियर एडिटर हैं द टाइम्स नाउ के, एक जानी माना नाम है अगर हम बात करें पत्रकारिता की दुनिया में, तो हम लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलता है। पर जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आपने प्रश्न पूछा, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, पर आज के दौर में नेता लोग सिखाएंगे सुधर जाओ, पत्रकार कहाँ बिगड़े हुए, ये सवाल सबसे बड़ा हम भी आज आपसे करना चाहेंगे। देखिए, मैं यही कहूँगा कि मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछता रहूँगा। उनका काम है जवाब देना या ना भी दें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तो सवाल पूछता रहूंगा क्योंकि मैं अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य करता रहूंगा। एक अनरिटन कमिटमेंट है हमारे व्यूअर्स की तरफ, हमारे देशवासियों की तरफ, हमारे लोगों के प्रति, तो वो मैं ड्यूटी निभाता रहूंगा, वो अनरिटन कमिटमेंट जो है वो निभाता रहूंगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सवाल जो है ये नेता लोग से आम आदमी नहीं पूछ सकता, तो आम आदमी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं आम आदमी की तरफ से सवाल पूछूंगा। और सबसे बड़ा सवाल हर शख्स के जहन में यही है कि आप पाकिस्तान से बातचीत क्यों करना चाहते हैं। देखिए, 24 घंटे पहले 2 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया जाता है बांडीपुर के इलाके में, और लश्कर पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, और उसके बाद आप आते हैं और कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, तो एक लाजमी बनता है एक सवाल। तो मैंने वो सवाल कर दिया, क्यों आप पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, तो उस पर वो भड़क गए। तो वो ठीक है जो वो कहे, पर आप इस तरह के सवाल क्यों करते ही क्यों है, यानी कि जो नेता लोग चाहते हैं, अब एक ना पूरा सा हमें ब्योरा बनाना पड़ेगा कि जो नेता लोग चाहते हैं हम उसी तरह के सवाल करें। क्वेश्चन ये चाहते ही यही चाहते हैं। देखिए, जर्नलिस्ट का काम है सवाल पूछना, ये तो नहीं है कि हम उनका क्वेश्चनियर लेंगे और वही पूछेंगे, वही चाहते हैं। वो तो चाहते हैं, वही तो। देखिए, हम अपीसमेंट में बिलीव करते नहीं है, हमने कभी भी अपीसमेंट वाला वो जो जर्नलिज्म किया नहीं है, क्योंकि हम लैपटॉप नहीं है। हमारा काम है लोगों के लिए बोलना, और हम बोलते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे, उसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा किसी से कोई पर्सनल नहीं हो है कि कोई जाती कोई किसी से दुश्मनी है, ठीक है, वो गरज के बरस पड़े उनकी, वो उनकी है, लेकिन हम उन्हें जब नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे इज्जत से ही मिलेंगे, लेकिन सवाल वही पूछेंगे जो हम पूछते हैं। पर उन्होंने आप पर एक और इल्जाम है, आप कम्युनल सवाल पूछते हैं। देखिए, आप पाकिस्तान का सवाल पूछें और कोई कम्युनल कहते तो कैसे। अब ये वो पाकिस्तान के आतंकवादी, अगर आप देखेंगे 3 दशक पहले 5 लाख के करीब कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, किस वजह से, क्योंकि वो डिफरेंट फेथ से बिलोंग करते थे, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, तभी उनको वहां से निकाला गया। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सुपिंदर कौर और दीपक चंद को स्कूल में जाते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मार देते हैं। क्या ये कम्युनल एजेंडा नहीं है पाकिस्तान का? सबको मालूम है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कॉल दिया था, कम्युनल एजेंडा था उस समय, वो कम्युनल एजेंडा ना हुआ। पाकिस्तान का सवाल पूछो तो उनको ना कही आप कुछ, मेंड योर वेज पाकिस्तान को कहना चाहिए। मुझे लगता है सही रिप्रेजेंटेटिव को आज कहना चाहिए पाकिस्तान को बंद कर दीजिए दहशतगर्दी, क्योंकि मेरे कश्मीर का आवाम, मेरे जम्मू का आवाम सफर कर रहा है, मेरा हिंदुस्तानी सफर कर रहा है, और शांति बिल्कुल चाहते हैं, तो वो बंद कर दीजिए। आप मेंड वेज उनको कहिए, हमें नहीं, हम तो सवाल पूछेंगे, इन्हें भी पूछेंगे और पाकिस्तान को भी पूछेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वक्त चला गया कि जब पाकिस्तान का प्रोपेगंडा कश्मीर में चला करता था, कश्मीरियों ने उनके प्रोपेगंडा को भी रिजेक्ट कर दिया, अलगाववाद को भी रिजेक्ट कर दिया, तो वो मेरे ख्याल से अब कश्मीरी नहीं चाहते, कश्मीरी चाहते हैं अमन की राह पे चलना। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जनरल बिपिन रावत के लिए किस तरीके से लाल चौक में यंगस्टर्स आते हैं, कैंडल लाइट मार्च करते हैं, नई दिशा की ओर जा रहा है, नई दिशा की। आप देखिए, एक फिजा बदल रही है, हवा बदल रही है, एक नई तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि इनको भी लोगों की पल्स को फील करना होगा। पर जिस तरह से उनका बिहेव तो लगता नहीं आपको बौखलाहट है, कहीं ना कहीं बौखलाहट है, ये देख रहे हैं कि अब जनता इनकी पॉलिसियों को, इनकी नीतियों को समझ चुकी है, जनता भी अमन सुकून चाहती, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर बेस्ड नेता थे, हमेशा उन्होंने अलगाववाद को बढ़ावा दिया,
हमेशा उन्होंने आम जनता की नहीं सोची कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है। आज के दौर में प्रदीप दत्ता सर, जब जनरल श्री विपिन रावत, शहीद विपिन रावत जी को जब श्रद्धांजलि दी गई, आपको नहीं लगता है एक कश्मीर हमारी सही दिशा में, अब नई दिशा में जा रहा है, एक रोशनी की किरण दिखी आम जनता को भी? देखिए बिल्कुल, मैं हर एक से ये सवाल करता हूँ, चाहे नेता है या अभिनेता या कोई भी है। देखिए, जब हम अपने परिवार के सदस्यों को चाहते हैं कि वो अच्छी एडुकेशन लें, सब कुछ अच्छा करें, तो हम बाकी बच्चों को क्यों गलत राह पे डालें? हम क्यों इंस्टिगेट करें, हम क्यों प्रोवोक करें, हम क्यों उन्हें बहलाएं फुसलाएं और ये कहें कि भाई आप सड़कों पे उतर आइए, क्योंकि हम अपनी सियासत चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा रहनुमा यही है, वो ये कहे बच्चों को कि आप अपना मुस्तकबिल बनाएं, अपना फ्यूचर बनाएं, तो वही एक बहुत ज़रूरी है। रहनुमा वही होता है जो आपको सही दिशा दिखाता है, सही राह दिखाता है। मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कतराना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कौन मारा जा रहा है? अगर पुलिसकर्मी मारा जा रहा है, हमारे कश्मीर से मारा जा रहा है। अगर सड़क पे कोई आम मारा जा रहा है, वो भी कश्मीर का मारा जा रहा है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन देखिए, इंफॉर्मेशन की तरह उसको ब्रांड किया जा रहा है, तो वो भी अगर देखिए, अगर लड़ाई कौन लड़ रहा है? आम कश्मीरी वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, और फिर भी सियासतदान उनके बारे में ना बोलते हुए पाकिस्तान की रहनुमाई करें तो कैसे चलेगा? भारत की बात तो हम करेंगे, कश्मीर की बात तो हम करेंगे, हम कश्मीरियों की बात करेंगे, सो हम आवाम की बात करेंगे। तो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस, दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग, दैट इज व्हाट आई विल कंटिन्यू टू डू। प्रदीप सर, आज के दौर में जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भरी सभा में उनका इस तरह से आपके ऊपर चिल्लाना कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि एक पूर्व सीएम रह चुके हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता को रिप्रेजेंट करे, पर इस तरह का भी है, अगर एक पत्रकार के साथ है तो वही अंदाजा लगाता है कि आम जनता के लिए क्या सोचते होंगे। देखिए, हम तो इस तरह देखते हैं, सवाल हम तीखे ही पूछेंगे, लेकिन हम इज्जत में कभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट वैसे ही करते रहेंगे। किसी भी बुजुर्ग की या कोई भी शख्स हो, ना भी बुजुर्ग हो, तो हम उसकी रिस्पेक्ट वैसे ही करेंगे, हम अपनी वो जो लाइन है क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सवाल पूछने से हमें कोई रोक नहीं सकता, वो तो वीटो पावर मिला है ना एक पत्रकार को, तो वीटो पावर का इस्तेमाल हम करते रहेंगे। प्रदीप सर, एक चीज सवालों को पूछेंगे, आज के दौर में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि लगातार आपके सामने भी एपिसोड आते हैं, अगर नेता के मन की, अगर उनकी मन मर्जी का सवाल पूछे तो नेता खुश, नहीं तो कई बार दफ्तरों में बैन कर देते हैं मीडिया को भी आने से, अगर उनकी मन मर्जी के सवाल ना पूछे जाए। और साथ ही साथ अगर किसी की जो गलत नीतियों को मीडिया कर्मी सामने लाता, उन पर हाथापाई होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एक सीनियर एडिटर? देखिए मेरा यही कहना है कि आप अपना काम करिए, पूरे इसके साथ दिलो जान के साथ करिए, पूरे ऑनेस्टी के साथ करिए, आप फिक्र ना करिए। जब आप ऑनेस्टी से सब करते हैं तो सब ठीक होगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि कोई पेशेंट जैसे ICU में चला जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो सबसे पहली चीज़ उसको क्या दी जाती है, उसे कहते हैं इंट्रावेनस फ्लूड दिया जाता है। तो उसी तरह मैं कहता हूँ कि जर्नलिज्म को जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए, वो क्योंकि फेक न्यूज़ का दौर चल रहा है, तो क्यों चाहिए वो है IV फ्लूड। I फॉर इन्वेस्टिगेशन, V फॉर वेरिफिकेशन। अगर आप पूरी तरह से चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, तो पत्रकारिता जिंदा रहेगी और अच्छी तरह आप जर्नलिज्म कर सकेंगे और एक अच्छी मिसाल भी कायम कर सकेंगे। पर जिस तरह से आक्रमण हो रहे, प्रहार हो रहे पत्रकारिता पर, चाहे वो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो पूरी वेरिफिकेशन के साथ अगर दिखा रहे हैं, कई बार ऐसा भी आप देख रहे हैं कई नेता ऐसे होते हैं, कई पंच सरपंच की बात करें, हम बात करें DDC की, अगर उनके द्वारा जनता के काम नहीं किए गए, अगर जनता पत्रकारों को बुलाती, उनको अप्रोच करते, तो हमारी ड्यूटी बन जाती, जिस तरह से आपने कहा हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम जनता की आवाज़ बनकर आते हैं, तो उस कंडीशन में अगर उन पर प्रहार होता है तो क्या उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वहाँ पे लीग निश्चय कर अपनी जीत करूँ, वो दृढ़ निश्चय है, तो आप कुछ भी कर सकते। जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू के पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसा गुणमंत्र दे दें ताकि हम भी उस पर चल कर? देखिए, मैं हर दिन सीखता हूँ, मैं हर दिन सीखने की कोशिश करता हूँ, और उसी वही चाहूँगा कि आप जिस दिन जी सर, आपने कहा एक आग है आपके अंदर, किस तरह की आग को अंदर अपने? देखिए, जो वो आग है आपके अंदर जलती रहनी चाहिए, और वो पैशन रहना चाहिए आपके अंदर, काम करने का जज्बा जुनून होना चाहिए। जब तक वो जज्बा जुनून है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि आप आते बहुत स्टार्ट बड़ा स्ट्रांग करते हैं और उसके बाद आप ढीले पड़ जाते हैं। नहीं, आप पत्रकार हैं और रिपोर्टिंग जो जज्बा जुनून से आप पहले दिन करते आए, वो आप करते रहिए, और मुझे लगता है कि फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आप सीखते जाएंगे, करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सीनियर एडिटर द न्यूज़ नाउ के प्रदीप दत्ता जी। जिस तरह से लगातार कि वीडियो वायरल हो रहा था
कि आखिर किस सवाल पर, पत्रकार के किस सवाल पर भड़क गए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो इन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया कि आखिर सवाल, जब एक तरफ से आप बात करते हैं पाकिस्तान से बात की जा रही, वही नौ के सीनियर एडिटर प्रदीप दत्ता जी ने, और हमने यही कैप्शन में डाला था कि आखिर किस सवाल पर भड़क गए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सवाल ये था, एक तरफ से आप बात करते हैं पाकिस्तान से बात की जाए, और दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों से हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत देश में घात लगाए हुए, तो किस तरह से बात की जाए। और तब जब सवाल पूछे तकलीफ तो होगी, क्योंकि जब दुखती रख पर पत्रकार हाथ रखेगा तकलीफ परेशानी तो होगी। पर इनका यही कहना है कि हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता की आवाज़, जनता के हित की बात करते हैं, करते रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो नेता हो, उनसे सवाल जो पूछना है हम पूछता रहेंगे जो जनता के हित में हो। तो इसी को लेते चलते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी भड़क गए थे, वही हमने आज इनसे भी जानना चाहा, ताकि व्यूवर्स भी जाने कि पत्रकार की जिंदगी आसान नहीं है, पत्रकार की लाइफ आसान नहीं है, उन्हें हर दिन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, कई कटाक्ष का भी सामना करना पड़ता है। अगर नेताओं की हक की बात करें तो नेता खुश, अगर नेताओं को सवाल पूछे जनता के हित का, उनकी कारकर्दियां दिखाए जो कहीं ना कहीं जनता तक नहीं की गई, तो भड़क जाते। तो इसी तरह से इन्होंने भी सवाल पूछा था, सवाल सही था। हमेशा पत्रकार, इन्होंने यही कहा कि गुड़ मंत्र क्या है, दृढ़ निश्चय के साथ, सच्चाई के साथ आप जब चलते जाएंगे अपनी राह पर तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और पत्रकार का काम है जनता की बात करना, जनता की आवाज बनकर सामने आना। ये नेता लोग जनता की आवाज तो दूर पत्रकारों से भी मिलना पसंद नहीं करते, जो उनके जनता की आवाज को या जनता की बात को उनके सामने रखते। तो इसी के चलते हम लोगों ने एक दायित्व है पत्रकारों पर कि आम जनता की, मजलूम जनता की, जिनकी आवाज को दबाया जाता है, उनकी आवाज बनकर सामने अपने देश की बात करें, देश के लोगों की बात करें। और जो लोग अलगाववाद को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको सवाल पूछना तो हमारा बनता है, पूछते रहेंगे। और देश विरोधी गतिविधियां करने वाले या देश विरोधी बातें करने वाले, उनसे तो ये बार बार यही कहेंगे, उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। और बाज आ जाइए ऐसे लोगों पर, खाते आप देश का है पर गुनगाते हैं दूसरे दुश्मन देश के, ऐसा नहीं चलेगा जनाब। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के देश में पूरे हर एक व्यक्ति, हर देशवासी के दिल में देशभक्ति की भावना है। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।